नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। एक और जहां बिहार के लोगों को खुशखबरी मिली है कि जल्द से जल्द बिहार में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। बूथ स्तर पर एक दिन में एक बूथ पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। वहीं दूसरी ओर घबराने वाली खबर भी सामने आई है। ये पता चला है कि इंग्लैंड से आए 19 लोग पटना में हैं, जो कि एयरपोर्ट से आने के बाद गायब हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आपको पता है कि कोरोना संक्रमण के बाद कोरोना के स्ट्रेन ने काफ़ी तबाही मचाई और खास करके इंग्लैंड में इसका खासा असर देखने को मिला। इंग्लैंड से आने वाली फ्लाइट्स को भी सरकार ने रोक दिया था। और ये जो लोग आए हैं वो किस तरह से आए हैं, कैसे आए हैं, इसका अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये खबर मिली है कि 19 लोग जो कि इंग्लैंड से आए हुए हैं वो फिलहाल पटना में हैं और लापता चल रहे हैं। पटना पुलिस उनकी खोज करेगी। पीपीई किट, मास्क और फेस शील्ड पहनकर इन लोगों का पता नहीं चल रहा है, ना ही इन लोगों का जो फ़ोन है वो लग रहा है, और अगर लग भी रहा है तो ये लोग फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। सिविल सर्जन ने पटना पुलिस को सूची सौंपी है और बताया है कि ये लोग जो हैं वो इंग्लैंड से आए हुए हैं, कई दिनों पहले आए थे और इनकी जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पटना पुलिस जो है वो इनकी खोज कर रही है। कुल मिलाकर 19 लोग हैं जो इंग्लैंड से आए हुए हैं, पटना में ही हैं और लगातार पटना पुलिस इनकी खोज कर रही है पीपीई किट, मास्क और फेस शील्ड के साथ, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा कोरोना का जो खतरा है वो तो बड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ कोरोना का जो स्ट्रेन है वो वहाँ और ज़्यादा खतरनाक है। भारत के साथ साथ कई देशों ने इंग्लैंड से आने वाली फ़्लाइट्स पर रोक लगाई थी। ये लोग किस रास्ते से आए हैं, कैसे आए हैं, इस बात का फ़िलहाल कोई पता नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के जो मामले हैं वो अभी भी थमे नहीं हैं। अगर बात हम कोरोना के अपडेट की कर लें तो 344 पॉजिटिव मरीज और पाए गए थे 3 जनवरी के दिन। जब तक हम आपको ये खबर बता रहे हैं तब तक 4 जनवरी की कोरोना रिपोर्ट बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने पेश नहीं की है। एक्टिव केसेस की संख्या 4662 है। कुल मिलाकर जो कोरोना के नए मामले आए 3 जनवरी के दिन वो 344 हैं। आप लिस्ट में देख सकते हैं कि अलग अलग ज़िलों के हिसाब से सूची बनाई गई है। 344 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे 3 जनवरी के दिन। आप देख पा रहे हैं कि अरवल में 2, औरंगाबाद में 2, बांका में 5, बेगूसराय से 9, भागलपुर से 4, भोजपुर से 16, बक्सर से 1, दरभंगा से 4, पूर्वी चंपारण से 3, गया जिले से 10, जबकि गोपालगंज से 19 मामले आए। जहानाबाद से 6, कैमूर से 8, कटिहार से 3 मामले, खगड़िया से 5 मामले, लखीसराय से और मधुबनी से 8-8 नए मामले आए। मुंगेर की बात करें तो 1 नया मामला निकल कर आया। मुजफ्फरपुर से 24 केसेज आए। नालंदा से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। नोएडा का एक व्यक्ति संक्रमित मिला जिसका सैंपल पटना में लिया गया था। जबकि पटना की बात करें तो अभी भी पटना संक्रमण के मामले में सबसे आगे है। 143 पॉजिटिव मरीज एक साथ पाए गए 3 जनवरी को। वहीं पूर्णिया और रोहतास से 2-2 मामले आए। सहरसा की बात करें तो एक नया केस निकल कर आया। समस्तीपुर से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। सारण से 16, शिवहर से 7, सीतामढ़ी से 8, सिवान से और सुपौल जिले से 3-3 मामले आए। वैशाली से 10 और पश्चिमी चंपारण से भी 3 केसेस आए। कुल मिलाकर 344 मामले। बिहार में कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन बिहार से कोरोना का खतरा फिलहाल नहीं थमा है। 344 नए केसेस तो आए ही, साथ ही साथ अब ये भी चिंता का विषय हो गया है कि जो 19 लोग इंग्लैंड से आए हुए हैं उनका कोई पता नहीं चला है। पटना पुलिस उनकी खोज कर रही है, लेकिन खोज करते वक्त पूरा एहतियात बरता जा रहा है। पीपीई किट, मास्क और फेस शील्ड के साथ पटना पुलिस जो है वो लोगों की खोज कर रही है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।